वेलकम बैक गेमर्स, और आ चुके हैं माइनक्राफ्ट फॉर्म ब्लॉक सर्वाइवल की सीरीज के अंदर एक बार फिर से काफी क्लोज आते जा रहे हैं एंड की तरफ। देखते हैं आज, वैसे मुझे याद नहीं है मैं कौन सी फेस पर हूँ, बट जिस पर भी हूँ तो ऑफ स्क्रीन आज मैंने बहुत सारे चेंजेस तो नहीं करे हैं, लेकिन मैंने माइक्रो चेंजेस बहुत करे हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों में, मतलब मैंने कुछ नया तो नहीं करा, लेकिन जो पुरानी थी उनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करे हैं इस बार, एंड तुम्हें भी देखकर वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो जल्दी से जल्दी करते हैं स्टार्ट। और क्या, और हाँ, इसी के साथ एक बार फिर से बता दूँ, आज मेरे पास एक बार फिर से एक बिल्डिंग का गोल है तो उसको भी कम्प्लीट करना है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अरे भाई एक मिनट, मेरी हॉट बार, ये सब ठीक है। तो इस साइड में मैंने यहाँ पर ग्रास बहुत सारी लगा दी, क्योंकि ऑब्वियसली अब मेरे पास नेदर की एक्सेस है, तो फिर मैं ग्रेवल लेके आ सकता हूँ, यानी कि अपनी ग्रास को डुप्लीकेट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ग्रास लगा दी। थोड़ी बहुत यहाँ पर ग्रीनरी हो गई है। यहाँ पर नेदर पोर्टल को मैंने और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने स्ट्राइडर्स के लिए घर लेकर आने के लिए यहाँ पर इनको वैसे मैंने उससे बांध दिया है लीड से, और इसके अलावा दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या काम कराया, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। इधर कुछ मैंने ऊपर की साइड जो खाली पड़ी हुई थी पहले, इधर मैंने एक लावा लेक टाइप की बना दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दिखता नहीं है, बट फिर भी मैंने बना दिया ऐसे ही टाइम पास के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर एक बैसल्ट है, और यहाँ पर मैंने स्टेयर्स लगा दी हैं बर्ड्स को हटा के स्टोन ब्रिक्स की। और इसके बाद यहाँ पर मैंने हॉपर लगा दिया जिसके अंदर कारपेट है, ऑब्वियसली मेरे पास कारपेट ड्यूप्लिकेटर है इसलिए। और इधर मैंने अपने कुछ चीज़ों को शिफ्ट कर लिया, यहाँ पर मेरी आज के बिल्ड की तैयारी है थोड़ी सी। इसके अलावा यहाँ पर मेरा काफ़ी ड्यूपर, प्लस पिछले एपिसोड में मुझे काफ़ी सारे स्लाइम ब्लॉक मिल गए थे, इसलिए मैंने अपना रेल ड्यूपर भी बना लिया, एंड इसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली आज। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, बहुत सिंपल है। कारपेट ड्यूपर को भी मैंने अभी फुली ऑटोमेटिक कर लिया है, यानी मैं आराम से उसको, मुझे लीवर को बस एक बार पुश करना होगा, मेरा काम बन जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दूर फेंकते हैं, इसकी प्रॉब्लम है। एंड मैंने और क्या चेंज करा था, मैं थोड़ा सा भूल गया। यस, इधर आयरन फार्म है तो उधर ये, हाँ वहाँ पे सबसे बड़ा चेंज है। तो इधर देखो, यहाँ पर मैंने बसा लिए पूरी एक बस्ती लाइब्रेरियन एंड कार्टोग्राफर्स की, मेरी आयरन की फैक्ट्री यही है, मेरे हॉपर्स का राज। अरे सोने का टाइम हो गया, ओके ये कहाँ से पैदा हो गया, अभी कोई फर्क नहीं, सोऊंगा तो मैं ही। और वहाँ पर तुम देख सकते हो, वहाँ पे स्टोन्स तुम्हें दिख गए होंगे, तो उधर से मैंने पहले ब्रीडिंग करवाई, फिर ब्रीडिंग करने के बाद उनको वहाँ से तोड़ के मैं ले आया, क्योंकि मेरे पास सिल्क टच तो है नहीं, इसलिए मुझे ऐसे काम चलाना पड़ा कि यह सब ठीक है। तो वहाँ भी मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने काम के लिए। ये मेरी आयरन की फैक्ट्री ऑफकोर्स, इसको मारना सबसे प्लेजरेबल काम है इस दुनिया का, तुम्हें पता है। A few inches later. वाह, आज मैंने बेचारे को मुक्ति दिला दी। और अभी चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले मैं नए फेस में जाने से पहले अपना ये वाला काम करूँगा, जिसके लिए तैयारी तो ऑलमोस्ट हो गई है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले प्लेटफॉर्म बनाना है। तो मैंने कोशिश करी है सबसे ज़्यादा, जितना हो सके उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट आयरन फार्म बनाने की, जो कि ऑलमोस्ट 5x5 या वैसे 4x4 में बन सकता है। तो 5x5 के एरिया में मैंने पूरा आयरन फार्म अभी घुसा दिया है, बड़ी मेहनत लगी थी इसमें। और क्या गरीबी के दिन आ गए मेरे, मतलब मेरे पास एक बेड बनाने के लिए तक के लिए वूल नहीं है, इतने काफ़ी रहेगी एक। और अभी यहाँ पर पहले मैं थोड़ी सी बाउंड्री टाइप की बना रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, अभी ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने बेड लगाऊंगा, बेड इधर ही घुसाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कॉम्पैक्ट बनाना है मुझे इसे। कुछ इस तरीके से इधर घुस जाएंगे मेरे बेड्स, एंड ये लास्ट वाला हो जाए। यस, तो बेड का मैंने स्पेस बचा लिया। यहाँ पर मैं अपने जॉम्बी को रखूँगा फिलहाल, थोड़ा रफ साइज को रेडी कर रहा हूँ, बाद में ढंग से करूँगा। तो इधर मैं अपना आयरन का प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, मतलब आयरन गोलम के स्पॉनिंग की प्लेटफॉर्म। इधर होंगे मेरे ग्लास, क्योंकि मेरे पास ग्लास की थोड़ी कमी है, इसलिए कंजूस करके लगाऊंगा मैं इनको। एंड इस सब के बाद मेरा काफ़ी हद तक काम तो कंप्लीट हो चुका है, मैंने कहा था मैं बहुत कॉम्पैक्ट बनाने वाला हूँ। तो अभी मुझे करना है यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लॉफ्टी और मैंडी ने बढ़ाया हाथ, बॉब और साथी मस्ती में मगन, मिलजुल के करते है काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। बिल्डर और बर्ड, ट्रैविस और स्पर्ट, दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। कर ही लेंगे। ओके, तो अभी एक बार इसको ट्राई करके देखता हूँ कि ये ढंग से वर्क तो कर रहा है ना, वैसे करना चाहिए। लीवर को पुश करो, और इसके बाद ये हमारी रोलर कोस्टर राइड परफेक्टली वर्क कर रही है, एंड काफ़ी स्पीड में ही जा रही है ना। और
यस एकदम परफेक्ट, जहाँ पर मुझे पहुँचना था बिल्कुल वहीं पे पहुँच गया मैं। स्वॉर्ड नहीं इससे होता है यस। लेकिन ये काम करने में थोड़ी सी मैंने जल्दबाजी कर दी क्योंकि इससे पहले मुझे एक काम और फिनिश करना था। तो यहाँ पर मैं स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म बनाना ही भूल गया, मतलब इसको कम्प्लीट करना भूल गया। तो पहले इधर काम करना होगा। ये डिज़ाइन जो है ना ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटा है एंड मैंने इसको अपने दिमाग से थोड़ा और ज़्यादा छोटा बना दिया, तो बड़ा मतलब थोड़ा मुश्किल है इसको कम्प्लीट करना। हालांकि रिसोर्सेज बच रहे हैं मेरे, तो अभी वॉल चाहिए मुझे काफ़ी सारी वैसे। अब इसके बाद जो थोड़ा सा काम बचा हुआ था वो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मैंने करा ही नहीं। तो वो वाला काम जो था वो मैंने अपने एक फ्रेंड से करवा लिया, बहुत सिंपल सा। एक बस एक बार वर्ल्ड होस्टर ना था, उसने वो मेरा काम कर दिया 20 रुपये के मोमोज की शर्ट पे। यस देगा ना, सस्ते में मेरा काम भी निपटा दिया। एंड किस्मत देखो, मैंने शर्ट लगाई, मेरा काम हो गया। नेक्स्ट लॉकडाउन लग गया, यानी 20 रुपये भी बच गए, काम भी फ्री में हो गया। इससे बोलते हैं ना दिमाग। और अभी यस 20 रुपये की कसम खाते हुए देखता हूँ वैसे, क्योंकि अभी तक मैंने उसको टेस्ट देखा नहीं कि मेरे फ्रेंड ने करा क्या है करा क्या नहीं है, इसलिए पहले देखना पड़ेगा। क्या पता वो लॉकडाउन की खबर उसको भी पहुँच गई हो और उसने मेरा आयरन फार्म ख़राब कर दिया हो। लेट अस सी, मैं बहुत देर बाद आया हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर, बहुत घंटे हो गए मुझे। और यहाँ पर तो मुझे कुछ चेंज देख नहीं रहा, देखता हूँ उसने करा है कि नहीं करा विलेजर्स को। तो यहाँ पर नहीं है वैसे, हो सकता है उसने मार दिया हो वैसे। नहीं भाई, 20 रुपये की शर्ट लगी थी, मारेगा तो नहीं। लेट्स सी। अरे ओ नहीं, ये मैं कहाँ फंस गया, ये बच गया। ये इसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसकी, अभी ठीक है। अब इसको बंद करने के लिए मेरे पास, अरे यार मेरे पास वुड भी नहीं है, मैं इसको रिलीज भी नहीं कर सकता। एटलीस्ट उसने ना काम तो ढंग से कर दिया, बस वो रेल हटाना भूल गया बेचारा एक, कोई बात नहीं। यस अभी ठीक है, टेम्प्रेरी हो गया ना बस, काम ख़त्म। और इसके बाद इसको मैं, उसने नेम टैग नहीं लगाया वरना ग्लास के पीसेस दिखता है ज़्यादा मुझे याद। एक बार मैं चेक करूँ क्या ये कैसा नाम है, 20 के मोमोस। सीरियसली उसने इस ज़ॉम्बी का नाम 20 के मोमोज रखा है इस शर्त का एक रिटर्न प्रूफ रखने के लिए। क्या यार, इसका नाम वैसे मैंने पहले से सोच रखा था, इस मेरे फ्रेंड ने वो नाम खराब कर दिया। वैसे 20 के मोमोज नाम भी कुछ बुरा तो नहीं है, इसका मतलब वो मोमोज खाए बिना छोड़ेगा नहीं मुझे इस बार। एंड इससे पहले मुझे साफ सफाई भी करनी पड़ेगी यहाँ से, ये पूरा का पूरा ट्रैक हटाना होगा। और अभी थोड़ा सा ठीक है, मैंने यहाँ पर वाइंस की हेल्प से एक और रास्ता बना दिया है, ट्विस्टेड वाइंस शायद इसका नाम है। और अभी ये डायरेक्टली जाता है चेस्ट की तरफ, जिसको मैं देखना चाहता हूँ। वैसे मैं देख चुका हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर से कुछ इधर भी, ओ इधर आयरन गोलम ऑलरेडी मर रहा है इस टाइम पर, ये हुई ना बात, मर गया। क्या बात है, इसे बोलते हैं परफेक्टली वर्किंग आयरन फार्म। ये अंदर से बस 4x4 का आई गेस, 4x4 या 5x5 शायद से, मैं भूल गया इसके डायमेंशन। तो 64 and 25 काफ़ी अच्छा खासा आ गया यार। और अभी यहाँ से जंप करके कोशिश ट्राई करूँ क्या, ये मैंने कर दिया। उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था मैं टपकने वाला हूँ इस बार, कोई बात नहीं वापस करता हूँ एक बार। Approximately 10 hours later. और अभी मैंने खुशी खुशी में अपना पूरा आयरन गियर भी बना लिया एक, क्योंकि मेरे पास आयरन फार्म आ गया ना, अब बारी है इसको तोड़ने की। यस ये ओके, ओ हो गया डिसोलेट लैंड, अ बैरन लैंड लाइज बिफोर यू। इसका मतलब क्या है मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, बट देखने से लगता है कि ये फेस 9 जो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला होना चाहिए। मैं पॉकेट एडिशन की बेस पे बता रहा हूँ, जावा का नहीं पता। एंड ब्लॉक्स भी वही है यार, कॉमन सी बात है, स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला फेस है। ओ ओ ओ ओ फर्स्ट स्पॉन में सिल्वर फिश, इससे तो पूरा यकीन हो गया कि ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड। मैं खोलूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली इनको ऐसे ही मार दूंगा ना, इनकी आवाज़ कितनी अजीब सी होती है ऐसे करके। और ये क्या है, ये मेरा ब्लॉक कहाँ से टूटा, मुझे समझ नहीं आ रही है तो है क्या। अभी इसको मारना इम्पोर्टेंट है एरो से। ओके मुझे ये नहीं पता था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में ये भी स्पॉन होंगी, मतलब ज़ॉम्बी तो तक एक भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं कुछ नहीं कर सकता। ओ चेस्ट मिल गई, इसमें क्या है, स्लाइम मेरे किसी काम की नहीं है। इसको अभी मैं क्या करने वाला, इसको अभी स्पॉन करता हूँ, बेफालतू में स्टोरेज लेगा। ओ बड़ी वाली स्पॉन हुई है डायरेक्टली, अभी वो ओतरी ये खतरनाक है, ये खतरनाक है।
कितने थे ये, 4-5 एक साथ स्पॉन हो गए, मुझे बहुत बुरा मारती है। इनको उधर से कोने से निपटाना पड़ेगा। थोड़ा सा आराम से इवन पे एम करने की ट्राई कर रहे हैं क्या? नहीं मुझे देख, अरे आपस में ही भिड़ रहे हुए हैं। ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली फाइट चल रही है इनकी, देखो ध्यान से। ये हुई ना बात, देख अरे इन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया। आई थिंक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फाइट में गॉडजिला जीत गया होगा। नहीं नहीं नहीं, इन लोगों ने आपस में टाई अप कर लिया, जैसे मूवी के एंड में गॉडजिला और कॉन्ग ने एक दूसरे के साथ कर लिया था। अभी ठीक है, इन दोनों को ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इनको मारना अभी ठीक। ओ नो 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 नो, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज़ फटा नहीं, बच गया मैं। इसको शूट कर सकते, यस एटलीस्ट सेफ तो है। ये चार्ज क्रीपर सही में अगर फट जाता ना तो बहुत बुरा मरता मैं, लेकिन मैं बच गया, किस्मत बहुत अच्छी है मेरी। और एक बार फिर से गॉड चला ने कॉन्ग के चने चुरा लिए, और उसके बाद कॉन्ग ने और तेरी ओ ये कौन सा स्टाइल, ये पक्का पबजी खेलता है, मुझे यकीन हो गया जिसको देखकर घूम घूम के मारता है। उत्तरी मॉन्स्टर रेड, इसके अंदर पक्का चार्ज क्रीपर होंगे, मैं मरने वाला हूँ इस बार पक्का। ओके एक आया, आई थिंक स्केलेटन था कुछ, स्पाइडर और मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या क्या है, कुछ उड़ने वाले भी है। मैं भाग रहा हूँ, मैं करने वाला ही नहीं हुई रेड, मैंने सोच लिया, मुझे पता चल गया कि डिस्पॉन हो जाता है कुछ टाइम में। यार देखो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या आखिर, यहाँ पे मुझे 3-4 दिख तो रहे। तो देखो यार मैंने कोई चीटिंग तो नहीं करी है, बट मैंने बस ऐसे ही पता करने के लिए स्पेक्टेटर मोड कर लिया है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओ इवोकर है प्लस एक स्केलेटन वगैरह है। ओके तो मुझे लगता है मुझे फाइट ले लेनी चाहिए। यार इवोकर की दिक्कत है, वो वैक्स को बुलाता है, बट क्या करूँ मुझे डर लग रहा है। मैं इवोकर कर निपटाऊँगा कैसे, मुझे लगता है मुझे वेट करना ज़्यादा बेटर है। अभी मुझे वापस अपने सर्वाइवल में आने के लिए कोई स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। ये वाला ठीक लग रहा है ना? हाँ अभी शायद ना गिरूँ मैं। 3-2-1 मिनट, एक मिनट सीलिंग में हूँ अब, ठीक है। 3-2-1 बूम। ओके तो अभी सर्वाइवल के अंदर हूँ एंड मुझे लगता है कि मुझे फाइट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इवोकर भी है और ज़मीन टूटी हुई भी है, तो मारना बहुत मुश्किल होगा इवोकर को। ओके मुझे भी एक दो तो दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे वेट ना करके ना मुझे एरो से ट्राई करना चाहिए उसको मारने का। शायद वैक्स स्पॉन ना करे, स्पाइक से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवोकर है तो कहाँ पर है। एक बार उसका स्पॉट पता चल जाए ना तो आसान हो जाएगा, बट यहाँ से देखना मुझे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। शायद मुझे नीचे इस वाले ग्लास से देखने ऊपर, मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन इवोकर जो है यहाँ से डिस्पॉन हो गया है या फिर नीचे गिर गया है। एंड अच्छी बात है, जो कि स्केलेटन को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वाह रेड भी ख़त्म, अब आराम से कर सकता हूँ अपना काम। बस यहाँ पे थोड़ा सा कर दूँ काम, रिपेयरिंग वगैरह। हे गाइस कैसे तुम लोग? एंड तुम देख सकते हो ना मुझे खुशी खुशी में, मैंने अपना पूरा आर्मर वगैरह उतार दिया, शील्ड वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास। ओके सच बताता हूँ मैं, पिछले 2-3 एपिसोड से मैं बिल्कुल भी नहीं मरा था, मुझे बड़ा प्राउड था अपने आप पर, लेकिन अभी मैं मर चुका हूँ। और वो भी पता है कैसे मरा, मैं चलते चलते अचानक से गिर गया, थोड़ा सा नशेबाजी में चल रहा था, चलते चलते अचानक से गिर गया। मेरी सिली मिस्टेक की वजह से मेरी 60+ XP चली गई, उससे भी बड़ी बात 3-4 वीडियो का रिकॉर्ड टूट गया, मतलब मैं 1 महीने से मरा नहीं था, अब डायरेक्टली मर गया। इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है मेरे साथ। खैर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो सकती है, और वो है जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, वरना मैं दोबारा मैं सच बता मैं सुसाइड करने वाला हूँ, इससे पहले कि मैं अपनी जान दे दूँ। देखो भाई तुम कोने पर हो, इससे पहले मैं अपनी जान दे दूँ। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं कराया तो। कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करो। अब हम मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ला 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 ला।